नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान ओपिनियन में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार के सुपौल लोकसभा क्षेत्र से सांसद दिलेश्वर कामैत जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आप 17वीं लोकसभा में निर्वाचित। धन्यवाद सर। पहला जो मेरा सवाल है वो आपकी कुछ उपलब्धियों से ही मैं शुरू करना चाहूँगा कि पहले ही सत्र में आपने लगभग आधा दर्जन बार आपको बोलने का मौका मिला है और रेलवे, बुनियादी सुविधाओं, शिक्षा, सभी चीज़ों पर आपने बोला है। कौन कौन सी प्रमुख मांग और रहेंगी आपकी इस बार? देखिए, इस सत्र में मैं तो बिहार से आपका जो सांसद हूँ, पहली बार सदन में आया हूँ और अभी तक मैंने 15 तारांकित सदन में रखने का काम किया और अभी तक 5-6 बार मुझे बोलने का भी अवसर मिला है। खास करके मेरे क्षेत्र में रेलवे जो है वो बहुत पीछे हैं। रेलवे परियोजनाएं जो है बहुत दिनों से लंबित परियोजनाएं हैं जिसको किसी ने नहीं देखा और एक ऐसा सुपौल क्षेत्र है, अति पिछड़ा ऐसा क्षेत्र है जिसमें कि रेलवे जो देश का जो है एक कोना से दूसरे कोना को जोड़ने वाला यही एक जो यातायात का साधन है, इसमें बहुत कमी रही है। तो मेरी पहली प्राथमिकता यही रही, जो मैं जब जीत के जाता हूँ तो मैंने जनता को कहा था मेरी पहली प्राथमिकता होगी रेलवे परियोजनाएं जो लंबित है उसको चालू कराना। मैं आते साथ ही सबसे पहले मैं अपना पहला ही शुरुआती सत्र में ही मुझे बोलने का मौका मिला। उस अवसर में मैंने शून्यकाल के दौरान में रेलवे की समस्या मैंने उठाने का काम किया। मैंने इस समस्या को इस ढंग से रखा जो रेलवे जो 2008 से जो है वहाँ लोगों को यह सुविधा नहीं मिल रही है, क्योंकि 2008 में जो प्रलयकारी बाढ़ आई थी तो बाढ़ में पूरे पुल और रेल लाइन ध्वस्त हो गया था और उस दिन से जो है फारबिसगंज और सरायगढ़ के बीच में रेल आवागमन ठप था। सरायगढ़ से सहरसा का रेल आवागमन चल रहा था, छोटी लाइन थी, लेकिन वह भी 2016 से लेकर के वह जो गेज कन्वर्सन के नाम पर उसको भी बंद कर दिया गया। तब से लेके आज तक जो है वहाँ रेल लाइन नहीं है, लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, बस से जाना होता है, गरीब लोगों के लिए उतना पैसा नहीं रहता है जो बस का भाड़ा दे। तो मैंने सोचा जो क्षेत्र का विकास के लिए रेल बहुत ही आवश्यक है, इसीलिए आते ही मैंने संसद में यही सवाल उठाया जो सुपौल की 3 लंबित परियोजनाएँ हैं। पहली परियोजना है सहरसा से लेकर के भपटियाही होते हुए फारबिसगंज रेल लाइन चालू करके, उसके बाद दूसरी परियोजनाएँ हैं जो सुपौल से लेके पिपरा, त्रिवेणीगंज, जदिया होते हुए रानीगंज और अररिया तथा अररिया से गलगलिया, ये नई लाइन की स्वीकृति हमारे माननीय जो रेल मंत्री हैं, जो रेल मंत्री अभी वर्तमान में है गोयल साहब, उन्होंने दी और उसका उन्होंने काज भी प्रारंभ किया और उसमें फंड का भी देने का उसने व्यवस्था की है। और यह जो है हमारे माननीय जो सुपौल के मंत्री हैं बिजेंद्र प्रसाद यादव, उसको कहा जाता है सुपौल का विश्वकर्मा। एक्चुअली उन्होंने सुपौल के लिए काफ़ी विकास का काम किया और उन्होंने दिन रात लग के गोयल साहब से बात करते हुए उनको परेशान करके रख दिए, इसकी स्वीकृति दीजिए, फंड दीजिए, और वह फंड मिला, काम प्रारंभ हो गया है, जमीन अधिग्रहण का काम शुरू हुआ, ये दूसरा है। तीसरा है जो सकरी से लेकर के सरायगढ़ भपटियाही तक जो है जिसमें कि गंगा नदी में जो पुल भी अब कई वर्ष पहले भी तैयार हो चुका है, अटल बिहारी यादव जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी उसका शिलान्यास किए थे और आज वो पुल भी तैयार हो गया है। तो इसको जो है ये भी परियोजनाएँ लंबित है, सकरी से आपका निर्वली होते हुए सरायगढ़ भपटियाही तक जो है वो लाइन जो है आना है, रेल बिछा करके यदि उसको इस पर बिला देता है तो इस छोर को भी दरभंगा, मधुबनी, पश्चिमी छोर जो है यह भी उधर पूर्वी छोर से यानी आसाम से कनेक्ट हो जाएगा और जो क्षेत्र जो है क्षेत्र का विकास होगा। ये 3 परियोजनाएँ लंबित है और इस 3 लंबित परियोजनाओं को इसको करने के लिए मैंने सदन में उठाने का काम किया। सदन में उठाने के बाद मैं माननीय रेल मंत्री आदरणीय श्री पीयूष गोयल
गोयल साहब से मिला, उन्हें मैं बधाई दिया, नहीं नहीं बधाई नहीं दिया, मैंने उसको मेमोरेंडम दिया। अच्छा। मेमोरेंडम देकर उनको सारी बातों से उनको अवगत कराया और उन्होंने कहा जो आपका सहरसा से लेकर के 20 किलोमीटर तो रेल चालू करवा दिया गया है और 20 किलोमीटर जो है वो वहाँ से सुपौल और सुपौल से भपटियाई होते हुए छातापुर तक जल्द ही रेल चालू होने जा रहा है, तो उनका भी आश्वासन मिला। और साथ साथ इन योजनाओं के विषय भी मैंने उनसे कहा इसमें आप जो है कोष का आवंटन यदि अधिक करेंगे तो काम जल्दबाजी होगा, इसका भी उन्होंने आश्वासन दिया है। तो इस तरह से बहुत महत्वपूर्ण जो इस क्षेत्र के लिए हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह योजनाएँ हैं, इस पर मैंने जोर देने का काम किया, ये पहली है। दूसरी है जो हमारे सुपौल जिला में खास करके जो संसदीय क्षेत्र हमारा सुपौल है उसका एक विधानसभा आपका मधेपुरा भी पड़ता है सिंहेश्वर। अच्छा। तो सुपौल संसदीय क्षेत्र में 6 विधानसभा है, 5 सुपौल जिला में, 1 मधेपुरा में। तो इस जिला में जो प्रधानमंत्री सड़क योजनाएँ हैं उससे संबंधित मैंने प्रश्न किया जो बिहार में खास करके सुपौल में कितने इस योजना के अंतर्गत सड़क बन गई है, कितने सड़क जो है बनने के लिए आपको प्लान है और कितना सड़क अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये सारी ब्यौरा सारा ब्यौरा हमने मांगा है और उसमें भी हमने पार्लियामेंट में मुझे इस पर भी बोलने का मौका मिला था और उसका भी जवाब मुझे लिखित भी मिला और उसके बाद जवाब वहाँ मिला है मंत्रियों के द्वारा। तो इस तरह से अन्य बातों का जैसे सेंट्रल स्कूल सुपौल में नहीं है तो मैंने यह भी अपने वक्तव्य में रखा जो सुपौल एक ऐसा ज़िला है जिसमें जो कि बाढ़ का इलाका है, कोसी का इलाका है, कभी बाढ़ होता है तो कभी सूखा रहता है, तो इस तरह से इस ज़िला में शिक्षा का विकास के लिए जो है सेंट्रल स्कूल अवश्य होना चाहिए। हालांकि सुपौल ही एक ऐसा ज़िला है जो बिहार में इसका विकास मामले में 3रा स्थान है, उसके लिए माननीय हमारे जो मंत्री हैं सुपौल के आदरणीय श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी, उन्होंने पूरे सुपौल जिला के लिए काफ़ी काम किया और सुपौल जिला का विकास उन्होंने करके गली गली उन्होंने सड़क बना देने का काम किया और बहुत सारी ऐसी योजनाएँ उन्होंने ला दी जो सुपौल जो है इस मामले में बहुत आगे, उसमें हम लोग धन्य हैं। इसके लिए धन्यवाद देते हैं हम आदरणीय विजेंद्र प्रसाद यादव जी का, उन्होंने जनता के हित में बहुत काम सब किए हैं। तो इस तरह से सुपौल जो है खास करके बीच में जो है कोसी जो है सौरव अब जिस वर्ल्ड कहा जाता है ना, तो ये नदी ऐसी है जिसमें हमेशा कभी बाढ़ आती है, कभी बांध टूट करके वो प्रलय बाढ़ का दृश्य उपस्थित जिसे 2008 में हुआ उसके भी पहले भी हुआ है, तो इस तरह से कोसी लेकर के वहाँ तबाही रहती है, बहुत अच्छा अति पिछड़ा क्षेत्र है। और ख़ास करके जो रेलवे का जो ज़रूरी इसलिए भी है जो सीमावर्ती क्षेत्र है और सुरक्षा की दृष्टि से भी रेलवे का होना बहुत ही आवश्यक है और ख़ास करके इसी दृष्टि से भारत सरकार ने वहाँ ये 3 रेलवे परियोजनाओं के लिए जो है समय देना शुरू किया है। पहले उन्हें ये मालूम नहीं था जो इस तरह का सुरक्षा के क्षेत्र से भी वह जुड़ा हुआ है, लेकिन जब हमारे माननीय मंत्री विजेंद्र बाबू ने इस बात को बताया जो सुरक्षा की दृष्टि से भी अगर आप इसको वहाँ रेल की व्यवस्था करते हैं, 4 लाइन तो है ही, तो इधर नेपाल है, उधर चीना है, उधर भूटान है, तो इस तरह से जो बांग्लादेश है ये सारा जो है तो वो सुरक्षा की दृष्टि से भी यह अच्छा होगा और इसको केंद्र सरकार ने माना और ये परियोजना चालू हुई है। सर जैसा कि आपने बताया कि आपका जो क्षेत्र है सुपौल वो बाढ़ प्रभावित और सूखा दोनों ही समस्याओं से ग्रस्त रहता है, तो इस बार की सरकार ने मोदी सरकार ने जल शक्ति मंत्रालय भी बनाया है, तो क्या आप आगे जल शक्ति मंत्रालय के जरिए कुछ योजनाओं को ले जाना चाहेंगे जो सिंचाई के साथ साथ जल संचय और उसके उपयोग पर काम कर सके? देखिए इसके लिए भी केंद्र के पास एक योजना लंबित है, वहाँ पानी बिजली पर योजना होता है ना, जल बिजली पर योजना, उसकी व्यवस्था हो गई, स्वीकृति हो गई है, उसके और सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया है, वह बन जाने से बाढ़
भी कंट्रोल होगा और लोगों को खेती के लिए सिंचाई का जल भी मिलेगा, साथ ही बिजली का उत्पादन होगा, मछली का भी पालन लोग कर सकेंगे। इस तरह से बहुत बड़ा ये फायदा है, वो डगमारा में होने जा रहा है। तो इस तरह अगर ये हो जाता है तो हम लोगों को काफ़ी फायदा है। उसके बाद जो है वो प्रधानमंत्री जो आपको धार्मिक स्थल से लेके सड़क बनाए हैं, बनाने का जो योजना उनका है, उसमें भी सुपौल होकर के सड़क जो है आपको सिंहेश्वर की ओर जा रहा है, सिंहेश्वर से सहरसा और सिंहेश्वर से वो जाकर के आगे जाकर के उसको कनेक्ट होगा पूर्वी क्षेत्रों से। तो सुपौल में पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तो आपका नेशनल हाईवे है ही, इस मामले में हम लोग धनिक हैं, लेकिन यह प्रलयकारी बाढ़ आ जाती है, सूखा हो जाता है, तो उसमें तो सुपौल पिछड़ा हुआ है ही। सर एक और अहम सवाल है जो आपके राजनीतिक जीवन से जुड़ा हुआ है कि आप रेलवे में अधिकारी थे, आप रिटायर होते हैं और उसके बाद सक्रिय राजनीति में आए और आपको टिकट भी मिला, जबकि बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स भी हैं लेकिन उस तरीके से टिकट मिलना और राजनीति में इतनी जल्दी एंट्री नहीं हो पाती, तो ये विचार आपके अंदर कहाँ से आया कि राजनीतिक क्षेत्र में मुझे काम करना चाहिए और इतना जल्दी आप कैसे? देखिए शुरू से मैं ट्रेड यूनियन करता था, तो ट्रेड यूनियन करने वाले जो हैं उनकी दिलचस्पी रहती है, सेवा की भावना उसमें रहती है, वहाँ कर्मचारियों की सेवा करना होता है और यहाँ जनता की सेवा करना है, इसलिए शुरू से मैं राजनीति में था। मैं क्लास वन ऑफिसर होकर रिटायर किया था, IRPS था, इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस से मैं क्लास वन होकर के रिटायर किया। रिटायर के बाद मुझे जिस समय में मैं रेलवे में था उस समय में रेल मंत्री हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी थे, तो उनके कामों को देख करके मुझे काफ़ी खुशी हुई है। मैंने उससे ही विचार किया था जो रिटायर होऊंगा तो जनता दल यू या जो हमारे नीतीश कुमार जहां रहेंगे वहीं जाऊंगा, तो इसीलिए मैंने 2006 में रिटायर करके इसमें फरवरी में रिटायर किया, मार्च में मैंने सदस्यता ग्रहण की और मार्च से लेकर के मैं सक्रिय रूप में इस राजनीति में जनता दल यूनाइटेड में काम किया और 2009 में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने मुझे उपचुनाव में पिपरा विधानसभा जो सुपौल और जो त्रिवेणीगंज पिपरा एक था मिलके उसको त्रिवेणीगंज विधानसभा कहलाता था उसमें मुझे उन्होंने टिकट देने का काम किया और जनता ने अपना आशीर्वाद देकर मुझे जिताने का काम किया और मैं जीत करके आया भी। सर इसीलिए नीतीश जी अक्सर अपने दूसरे नेताओं को और सांसदों को भी कहा करते हैं कि रेलवे के बारे में यदि कोई जानकारी या एक्सपर्टीज लेनी हो तो आपसे संपर्क करें, ऐसा कहा भी जाता है क्योंकि आपका अनुभव इतना है। एक्चुअली रेलवे में, भारतीय रेलवे में बहुत दिन तक मैं काम किया, ट्रेड यूनियन में भी था मैं और रेलवे का मुझे अनुभव काफ़ी है, यह बात सही है। और फलस्वरूप माननीय मुख्यमंत्री वो तो जानते ही हैं जो कौन किस तरह का काम करते हैं, कैसे काम करते हैं सारे। और जब मैं राजनीति में आया तो काफ़ी सक्रिय रूप से मैं उसमें भी काम किया, क्षेत्र में बराबर जहाँ लोगों की सेवा का काम किया, जनता की सेवा का काम करने चाहा। अति पिछड़ा प्रकोष्ठ जो राज्य का था उसमें भी मैं प्रदेश का उपाध्यक्ष था, साथ साथ जो प्रदेश का जो कमिटी थी उस कमिटी में, प्रदेश कमिटी में भी वो मैं उसका सदस्य था, तो काफ़ी मैं एक्टिवली काम किया। सभी हमेशा क्षेत्र में जो जनसेवा का काम करते हुए जनता के बीच में जा कर के, कभी बाढ़ आया तो उसमें लोगों को मदद किया, जिसमें बाढ़ आई थी मैं खुद क्षेत्र में जा कर के लोगों को कैंप लगा के लोगों को राहत दिलाने का काम किया, खुद मैं राहत दिया, खाना खिलाया उन लोगों को कैंप में, अपना से व्यवस्था करके खाना खिलाया, कपड़ा दिया, रहने की व्यवस्था की, उस समय में भी काफ़ी मैं उन लोगों के मदद के लिए काम किया। और जब कभी कहीं कोई समस्या क्षेत्र में आती है मैं हमेशा उसमें जाता हूँ, लोगों की सेवा करता हूँ, मदद करता हूँ। तो सर रेलवे के क्षेत्र में इतना आपका अनुभव रहा है तो इस समय जो सबसे बड़ा ही सवाल रेलवे के निजीकरण का जो मुद्दा उठ रहा है, विपक्ष उसको लेकर आक्रामक भी है, तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए आज माननीय हमारे रेल मंत्री ने विपक्ष को स्पष्ट रूप से कहा हम कोई निजीकरण करने जा रहे हैं, नहीं कहीं करने नहीं जा रहे हैं। निजीकरण की बात जो आप लोग कर रहे हैं गलत है, ऐसी बात नहीं है। हम किसी स्टाफ को छटनी नहीं करने जा रहे हैं,
स्टाफ काम करेंगे, लेकिन आप सभी चाहता है जो हमारा विकास हो, तो विकास के लिए आप देख रहे हैं जो प्राइवेट पीपी मॉडल के अनुसार जो है जो नया जो आधुनिकरण करना है तो उसके माध्यम से हम करेंगे, उसमें क्षति क्या है? हमारा देश का विकास होगा, रेल का विकास होगा, और नया जो माध्यम है काम करने का और नए जो आपको ये आ गया है मशीन, नया विचार, इस तरह साइंटिफिक बहुत काफ़ी विकास हुआ है, तो हम करेंगे तो उसमें आपत्ति क्या है? तो पीपी मॉडल तो सब जगह हो रहा है, सभी विभागों को हो रहा है, विदेश में तो हो ही रहा है, जिससे देश का हमारा विकास हो करने में आपत्ति क्या है? हम तो स्टाफ की छंटनी नहीं कर रहे हैं, कर्मचारी काम करेंगे, जो खाली जगह है उसको भर भी रहे हैं, तो इसमें तो कोई आपत्ति का सवाल नहीं, और हम प्राइवेटाइजेशन करने जा नहीं रहे हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा। धन्यवाद सर, हिंदुस्तान से बातचीत करने के लिए।